झगड़ो उसके हाथों को और तेज से। लगा पूरी ताकत लगा, झगड़ लो झगड़ लो, वो हाथों को तोड़ देंगे, झगड़ लो तेज के साथ में। झगड़ लो उसको अंदर से और तेज से, लगा पूरी ताकत लगा जोर से, बुलाओ बाहर से और फौज, बुलाओ उसको मारने वाली तेज के साथ में। हाँ लगा, कितनी ताकत है तेरी, और जोर से लगा। जकड़ लो उसको और तेज से, कस के बांधो उसको, जकड़ गई, जकड़ो जकड़ो, छोड़ो मत उसको और तेज से, और हाथों को तोड़ लो उसके दोनों भी। हाँ चल बता, पूरी ताकत लगा के, और कितने लोगों को,
कौन थी वो औरत थी, आदमी था वो? जादू चलाते डम्बे का क्या लग गए थे? कपड़ा, मट्टी, बाल क्या लिए थे? क्या क्या तकलीफ दे रहा था रे? और आग में दर्द कर रहा था? हाँ, और तकलीफ दे रहा था पूरे? जलाओ 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 जलाओ, जरा इसके हाथ आप तोड़ देंगे, तेज जकड़ लो ये, ठीक है ना? अभी जला फिर मारो उसको खूब, मारो उसके अंदर से आग लगाओ बेअदब के, मारो उसको और मारो, मारो उसको और मारो, उसके अंदर से आग लगाओ, मारो उसको और तेज से। हाँ, कहाँ से लाए थे? बोलने नहीं आता गूंगा। बोल, मारो उसको और मारो, उसके अंदर से आग लगाओ उसके। वैसा नहीं, जबान से बोल, सबको सुने आना, लाकर छोड़े। हाँ, कौन लाए थे? औरत थी वो, आदमी था वो? कौन थी? आदमी, आदमी था, औरत थी, औरत थी। अच्छा, इसको मारे कब? मारने वाले थे इसको अम्मास में, पुन्नम में। कहाँ से लाए थे? शमशान का है, कब्रस्तान का है? हमारे वहां इंसान है, जिन्नात है, कौन है? जिन्नात है, मरे वहां इंसान है, खबीस है, किसकी? जलाओ और तेज से आग लगाओ उसको। नहीं बुझती वो, कितना भी कर ले तू, आगे एक बार लगी तो बुझती नहीं वो। जलाओ उसको और तेज से। हाँ चल बोल, बोलता क्या? मार के खत्म करूं। कहां से आया था? कहाँ से आया था बोल फिर जल्दी। नाम के साथ बयान कर मुझे, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? कहाँ से आया था तू? क्या सुनाना, कौन डाले थे, कहाँ से आया था, इसके आंग में किसने लाकर डाले थे, कितने लोग थे, किस किस को मारे, किस किस को तूने भी मारा, और किस किस को मारने वाला है, क्या मकसद था तेरा, सब बातें मुझे याद करके आके बयान करना। क्या जबान से बोल, क्या याद नहीं है तुझे? याद नहीं है? याद
सब याद करके आके सुनाना सारी दास्तान। सुनेगा नहीं सुनेगा और सब बयान करना, कौन डाले थे, कहाँ से लाए थे, कितने लोग थे, क्या मसला था, कब मारने वाला था, क्या क्या बीमारी में डाला था, कौन कौन सी बीमारी में डालने वाला है, सारी बातें बयान करना। जकड़ लो उसकी सारी शक्ति, खत्म कराओ तेजी के साथ में, लगा पूरी ताकत लगा, सुबह कर जल्दी। बोल कौन सी वो औरत की आदमी था, कौन सी वो, अच्छा दिमाग में चढ़ के बैठा था, वो नाक से निकल रहा, दिमाग में चढ़ के बैठा था, ज्यादा गुस्सा दिलाता था उसको, फिर गुस्से होता था क्या उनको, क्या होता था, लड़ते थे, दिमाग में चढ़ के बैठा था, बहुत किरकिरियां करा रहा था, वो नाक से निकल रहा कम्बाखात नाक की तरफ मार रही, ये दिमाग में चढ़ के बैठा था, वो दवा अलग अलग किस्म की रही थी, ये दिमाग में चढ़ गई थी, ये दिमाग से निकाल रहे उसको खींच के बाहर, चल रहे लगा तेरी कितनी आवाज है, जोर से लगा पूरी, जोर से तेरी आवाज लगा, सुने आना मुझे, आवाज लगा कम्बाखात, ये नाक से निकाल रहा, ये निकाल रहा पूरा सब, बहुत अंदर बैठा था घुस के, हाँ निकालो खींच खींच के, निकालो बाहर, मार मार के सब निकालो बाहर खींच के, निकल रहा ये सब नाक, दिमाग में चढ़ पड़ा, इसका मतलब कि पेशेंट को ज्यादा किरकिरियां झगड़े करना मालूम होता था और ज्यादा क्या बोलते थे डिप्रेशन में रहता था पेशेंट, और सुसाइड करने के वसवसे से आते, ख्याल आता था दिल के अंदर, तो वो ये सब अंदर बैठे की दवा करती है, और दिल में उसके ख्याल डालता था तो सुसाइड करने के, और किरकिरिया कराता था, बहुत लड़ाया झगड़े लगाता था, पूरे आंग में दर्दा लगा दिया था, तकलीफा देखिए मार देने वाला था, उसके हाथ से उसकी जान निकालने वाला था, तू उस वजह से दिमाग में बिठाए थे तुझे, दिमाग से निकाल रहा है, ठीक है उसको मार मार के निकालते रहो, उसको पूरा निकाल निकाल के चिल दिया करके खत्म, पहली बार ही जाया यहाँ पे, कितने राउंड हो तुम्हारे यहाँ पे, पहली चक्कर में जा रहा, पहली चक्कर में यहाँ भी होगा, और उसके बाद इससे पहले कहीं हाजिर नहीं हुआ बोल रहे थे, पहली बार ही यहाँ भी हुआ, इससे पहले उनको दर्द तो था, क्या होता था वन साइड पूरा और सुन हो जाता, चलो ठीक है सर, अब इंशाल्लाह सही तरीके से हम करा के सब पकड़ के जकड़ के पसंद करेंगे, बता दो हमें क्या है और कैसा कैसा अंदर बैठा वाला मसला है, वो खैर अल्लाह के सामने आप उस हिसाब से हम करा के सब दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला, खैर इस वक्त इबादत की रस्सी की मजबूती से सामना, हर चीज़ की दुआएँ याद करना, खाने की दुआ, जाने की दुआ, आने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, हर दुआ तुम्हारा बता दिया जाएगा, और दुआ मोमिन का हथियार है बता दिया जाए, इस वास्ते हथियार है मोमिन का, समझ में आना, दुआ ये सब चीज़ों से इंसान माइक होकर बताओ, मैं ये सब लोगों से ये खुदा उसकी रसूल की रस्सी को मजबूती देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीस और कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ये दोनों में से तुम्हारा कुछ यहाँ की भी रस्सी मिल गई उसको मजबूती से थामो, तुम्हारी दुनिया आखिर तक दोनों सब जी, एक तो मैं दो रस्सियाँ छोड़ के आऊँगा, एक मेरे अहले बैत और दूसरा हदीस और कुरान, दोनों में से जो भी तुम्हारा को मिल जाएंगे उसको मजबूती से थाम लो, तो तुम मेरा घराना यानी कि मेरी आल मोहम्मद जो आल है, तो आज देखो ना आज दुनिया को जो भी दिए और जितना भी दिए अल्लाह ने, तो आज भी उनके ही आल के सबके देखो कैसे कैसे उनके घराने के चिराग हैं, कैसे कैसे नाम है बुजुर्गान दीन के, कितने बड़े बड़े वाली अल्लाह ने लिखे, कैसे कैसे दास्तान में क्या बयान कर, पूरी दुनिया को बता दिए थे उनका जलाल इलाह की सब पूरी दुनिया, तो वो भी तो उनके ही घराने के बच्चे थे ना इमाम हुसैन और हसन हुसैन की औलाद है, और वही यजीद मलून कहाँ उसका वो हुआ, हाँ जीत के हर गाना हुआ, और यहाँ पर क्या बोलते थे सजदे में सर कटा के मोहम्मद लाल ने क्या शान बख्शी ने इमाम हुसैन ने मोहरम का ही महीना है, देखो कैसा नमाज के वास्ते क्या क्या उन्होंने के सजदे में सर कटा दिए, कोई माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं करी कि वन मैन आर्मी जिसको बोलते हैं ना वन मैन आर्मी,
जो बड़ा खिताब बना कर पिक्चरों में बता के लगा के बता ना वन मैन आर्मी, ये पिक्चर तो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ओरिजिनल वन मैन आर्मी देखना है तुम्हें तो इमाम हुसैन की करबला की दास्तान निकाल के पढ़ लो। तारीफ गवाह इस बात की कि अकेले ने भूख के प्यासे ने निहत्ते ने 20,000 के लश्कर को काट के फेंक दिया। कैसी ताकत होंगी, गाजर और मूली कैसे काटती, मौर्य तीन लिखते हम पहाड़ पर बैठ के देखते गाजर और मूलियां कैसे काटते खचखच तलवार से, वैसे मुंडी काफिरों की मुना उनकी मुशरिकों की मुनाफिकों की मुंडियां गिरा देते आप जालिमों की। इतनी ताकत और इतना रुतबा की हैसियत थी अल्लाह ने, इनको बोलते वन मैन आर्मी। तो भी आप जब ना रोकना कैसा, हुसैन को कैसा रोकना, ये मुहर्रम का महीना इसलिए सुना रहा हूँ, हुसैन को कैसा रोकना। हुसैन कोई मजलूम नहीं थे, हुसैन कोई ये नहीं थे, अगर थोड़ा वक्त और मिल जाता था, अगर आजा नहीं देते थे तो उन्हों यजीद तक भी वहाँ तक पहुँच जाते थे, उसका भी लश्कर सब 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 पूरा खिलाफ कर देते थे, सब उनके नदी बहा देते, सबके बहा देते थे और जालिम हो गए। धोखे से शहीद करे आपको, शेर का शिकार गीदड़ क्या करेंगे, बुजदिल थे जालिम नमाज में वार कर गए, मालूम था इन्हें यह हैदर का लाल है, सजदे से अगर उठा तो किसी की ना पैर है। ये मेरे खुद की लिखा है शेर है, सजदे से अगर उठता था तो फिर सबको मालूम किसी की पैर में। पहले तो बोले थे कि रोको जल्दी क्योंकि हुसैन की तलवार रुकी नहीं रही है, हजारों की मुंडिया गिरा दी और भी यजीद तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, फौरी क्या करना है, पूरे लश्कर की सफाया कर दिया हुसैन ने, कैसा रोकना। तो अजां दो, अजां अजां देते ही ये रुक जाता है घराना, ऐसा है कि अजां देते ही नमाज के लिए जाता है, आपको नमाज का ब्रेक बोल के फिर रोका कर लिया, ठीक है नमाज का ब्रेक बोल के अजां दी, अजां देते जिन्होंने रुके बोले ठीक है नमाज का ब्रेक, ठीक है चलो नमाज पढ़ने के लिए लोग गए उधर गए। उसके बाद में जब आप सजदे में गए तो शिमर पुलिस सब लोगों ने बोले अगर सजदे से उठेंगे तो अभी जितों को काट के फेंक दिया फिर तो किसको भी नहीं छोड़ेंगे, बेहतर है कि सजदे में ही धोखा कर दो। भी नहीं हता है शेर, अल्लाह ने कह दिया था कि कह दो अली से, अली अल्लाह का शेर है, कह दो खालिद बिन वलीद से, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार है। तो ये सब अल्लाह ने लकब दिया, शेर को बच्चा शेर का ही होगा ना, गिद्दड़ को बच्चा गिद्दड़ का पैदा होता, ये सब गिद्दड़ आते हैं, गिद्दड़ क्या हूँ शेर का शिकार कर सकेंगे। उस दिन तो जालिम मालूम था तो नमाज में वार कर गए, तो नमाज के अंदर शिमर को सबने बोले कि नमाज में निहत्ते सजदे में कर दो हमला, अगर नहीं करेंगे उठ जाएंगे सलाम फेर देंगे तो फिर किसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में नमाज में धोखा करे आपके साथ सब हुसैन था नियते करबला में, तो मैं देखा बहुत सारे बयाना मतलब बोल रहे कि हुसैन था बच्चों के बॉडी को देख के रो रहे थे, अरे शर्म करो रे शर्म करो जरी, ऐसे तारीख बदल बदल के बताने की कोशिश कर रहे, एक शिकम नहीं थी आपके माथे पे, अल्लाह तो इसमें राजी है हम भी इसमें राजी है बोले थे। शेर के आँख में कभी आंसू आते क्या, जंगल का राजा रहता शेर, अल्लाह ने खुद शेर क्या बोलते ऐसा रुतबा दिया अल्लाह कि जंगल के अंदर हाथियों का झुंड भी ऐसा भागता रहा, डिस्कवरी पिक्चर पे देखो हाथियों का झुंड जब बेकाबू होकर भागते आता उसको कैसा रुकाना, बोल के रिसर्च चल रहा था तो शेर की आवाज बजाए खाली तो पूरा झुंड रुक गया और रुक के वापिस पलट के भागता, जबकि डिस्कवरी वाला खुद बोलता कि शेर की क्या ताकत हाथी के सामने, अगर हाथी शेर को कुचल के पूरा झुंड था हाथियों का भाग जा सकते थे, अगर शेर ने जैसा दहाड़ा मेरा एरिया खबरदार रुक जाओ तो पूरे हाथियां पलट के भागते। पूरा देखो डिस्कवरी के ऊपर सर्वे ऐसा बनाए थे उन्होंने, सर रिसर्च कर रहे थे कि हाथियां जो भागते आते पागल झुंड तो गांवों को तोड़ते हुए चले जाता तो उनको रोकने को क्या करना, मिर्ची डालना क्या नहीं जम रहा, तो शेर की आवाज बजाए डीजियों के अंदर बजते जो पूरे रिवर्स भाग के रोक के रिवर्स, वो रुतबा दिया अल्लाह ने अल्लाह ने बता तो शेर ये तो वो जंगल का शेर था, ये मैदान का शेर है, अल्लाह ने फरमा दिया कि कह दो अली से अली अल्लाह का शेर है, जब अली के बच्चे तो शेर के बच्चे शेर ही रहेंगे ना, गिद्दड़ की थोड़ी होंगे, तो गिद्दड़ों की औकात थी क्या, शेर का शिकार गीदड़ क्या करेंगे, बुजदिल थे जालिम नमाज में वार कर गए, मालूम था इन्हें वो हैदर का लाल है, सजदे से अगर उठा तो किसी की ना पैर है, खैबर उखाड़ फेंकने वाले का लाल, 150 टन का दरवाजा, 150 मन के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ देते ना सर, ये है क्या बोले खैबर जो पते नहीं हो रहा, ये है जब उखाड़े वो थे तुम्हारे बाप दादा, वो थे तुम्हारे बुजुर्गाने दीन, और तुमने आज अपने बाप दादा की तारीख भुला के बैठे क्या टीवी में पिक्चरा देखने में, खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ दिया और दूसरे हाथ में आपके 104 किलो की जुल्फ़िकार थी, ला फता इल्ला जुल्फ़िकार, कोई फतेह नहीं कर सकता है जुल्फ़िकार को इंडिया, तो वो एक हाथ में 104 किलो की तलवार दूसरे हाथ में दरवाजे को उखाड़ के ढाल बना दिए थे आपने खैबर का, और बाद में ऐसा पीठ पे लेके ऐसा रास्ता बना के दिए ऊपर चढ़ जाओ घोड़े, साहबा ने घोड़े दौड़ाते हुए चढ़ गए, चढ़ के सीधा लगा दिया उन्होंने उखाड़ कर, रास्ता बना कर दे दिया किले के ऊपर जाने के लिए, और नीचे से आप ऐसे दरवाजा पकड़ कर पीठ पर लेकर घोड़े दौड़ाते हुए सीधा चले गए, पूरे साहबा ऊपर जाकर वहां पर उनका कुफरियत का जो परचम था वो निकाल कर फेंक दिया, आलम इस्लाम का परचम लगा दिया वहां पर, होगा खैबर फतेह। पढ़ो ना ये तारीख है, पढ़ो पढ़ो नहीं तो सुनो, हर चीज है मोबाइल के अंदर तो तुमको पता चलेगी, तुम्हारे बाप दादाओं की तारीख है मिटा दे रहे, तुम आप कुछ भी बता रहे उर्दू बना रहे, समझो
समझो और ये गुमराह कर तो कोई कर ही नहीं सकता। किसी भी दौर में इतना एजुकेटेड और एजुकेशन हासिल करने वाला दौर चल रहा है और मोबाइल के अंदर तो हर चीज़ हो गया है। सब देखो, पहले तो कि हमको हमारे बचपन में किताबों की खाक छानना पड़ता था, एक फतवा निकालने, एक हदीस निकालने या एक मसला ढूंढने, पूरे किताबें पढ़ लेना पड़ता था कहाँ है अंदर से जवाब ढूंढने, चार चार दिन आठ आठ दिन जाते थे जवाब ढूंढने। आज बटन मारो तुम्हारे सामने जवाब हाजिर है। टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाऊँ, बहुत सारे बातें हैं बहुत। और नमाज का क्या रुतबा वो बता दी, नमाज क्या है उसने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, क्या शान बख्शी है हमें इमाम हुसैन ने, बातिल के आगे सर ना झुकाया हुसैन ने, क्या चीज़ है नमाज बताया हुसैन ने। ये सब मैं लिखा गया शायर नाता, अभी आई नज़मा नात वगैरह बहुत कुछ लिख के निकालूंगी आने वाली। तो क्या चीज़ है नमाज तुम आपको बता दी, उन्होंने जंग में रोक के जंग का मदद नमाज में गए सजदे में अल्लाह के वास्ते। फिर उसके बाद में उन पर धोखा किया गया नियतों पर, क्योंकि सबको मालूम था ये वो शेर है मैदान का कि खितड़ान इच्छुएन बिल्लियाँ क्या लड़ेंगे मैदान में शेर के सामने। पहले आपने सबको मौका दिए जाओ जाओ, सब जीतते थे आपके साथ में, ऐसा नहीं होना कि हुसैन जंग के मैदान में जाकर सबको सफाया कर दिया और बाद में दूसरे बोलेंगे कि हमको जानने दिए तुमने, हमको भी शहादत दी। इसलिए सबको मौका दिया गया, सब जाओ सब जाओ सब जाओ। बाद में जब सब शहीद हो गए उसके बाद जब आप उतरे मैदान में तो गाजर और मूली के जैसा काट के फेंक, क्योंकि नबी के घराने के गुलाम है खिताबत और तलवार। जब नबी के आल हाथ में तलवार ली थी उनके जैसे तलवार कोई चला नहीं सकता और उनके जैसी खिताबत कोई नहीं दे सकता। उनकी पहचान है नबी के घराने, वो नबी का शेर नमा था, वो आले रसूल औलाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अली कि जिसको अल्लाह ने कह दिया कि कह दो अली अल्लाह का शेर है। तो शेर के बच्चे शेर ही रही है ना, गिदड़ थोड़ी पसंद, ये गिदड़ा थे ये सब, ये गिदड़ों को मार बहुत पड़ी थी, गाजर मूली के जैसा कट रहे थे तो उनका बड़ा गिदड़ बट के सोच रहा था कि मेरे को भी काट देंगे जल्दी से आकर, अभी नौ जाएंगे तो कितना फासला बच जाना, जल्दी एक काम करो इनको फौरी धोखा कर दो, नमाज में धोखा कर, ये सब पता है ना ये बात। जैसे बहुत सारे दास्तान हैं, कभी भी एक बात याद रखना कि बुराई की अच्छाई भी जीत नहीं हो सकती। बुराई और झूठ बहुत उड़ता उड़ता उड़ता, मगर जब जमीन पे लैंड करने की बात आती है तो उसको पाँव नहीं रहते, उतर नहीं आता, उसको खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चे की कभी हार नहीं है। चलो खैर, अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा से अमल करने की तौफीक दे। इतना बड़ा मुहर्रम का महीना चल रहा कि देखो क्या है पढ़ना, तफसीरें चीज़ समझ में आती, तुम्हारे जहनों से निकाल दे रही सब बातें और तुम्हारे उनके रस्सी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फरमाया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरे आल से बोझ रखा फिर उन्हें हश्र के दिन मुझसे शफात क्यों नहीं करना। तुम अगर अल्लाह के नबी के आल से तुम बोझ रखेंगे दिल के अंदर, फिर क्या शफात की तुम उनसे करेंगे। और अल्लाह तुम्हारी सुनने वाला क्या, बड़े बड़े पैगंबरों के लिए सुनने वाला अल्लाह। लोग बोलेंगे चलो ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके बख्शा करेंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे मेरे पास क्यों आए भाई, जाओ मैं परेशान हूँ, गंदुम खाया था काल आजाब में गिरता हश्र के मैदान में। बोलेंगे मूसा के पास चलो, मूसा कलीमतुल्लाह बोलेंगे भाई मेरे से मत बोलो, मैंने एक बुक्का मार के इंसान को मार दिया था, का अल्लाह मेरे को पकड़ के जान में डालता क्या फैसला देता नहीं बोल सकता मैं मेरे चीज में परेशान हूँ, तुम्हारी कैसी बात करूंगा, जाओ जाओ बोल के सबके पास जाएंगे, बाद में सबको याद आएंगे अरे हाथी मुस्तमा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह का जलाल अल्लाह के जमाल के सामने ही कम होता। चलो अब उनके पास जाएंगे, जब उनके पास जाएंगे जब आप सजदे में चले जाएंगे जमीन नम हो जाएंगे, इतना रोएंगे आप, रोते अल्लाह बोलेगा मेरे हबीब उठिए क्या मांगना चाहते, मांगो अता किया तो आप फरमाएंगे कि अल्लाह बख्श दे मेरे उम्मत को, तो कह देंगे अल्लाह बख्श दिया मैंने आपके 70,000 उम्मतों को आपके सबके तुफेल में, फिर बोलेंगे बख्श दे मेरे उम्मत को, फिर बोलेंगे अल्लाह बख्श दिया मैंने आपके सबके तुफेल में आपके 70,000 उम्मतों को, ऐसा चलेगा चलेगा सिलसिला। बाद में अल्लाह फरमाएगा कि ठीक है मेरे हबीब आपके जितने भी उम्मतों के दिन में रही बराबर ईमान सबको जन्नत में डाल देंगे, उठ जाओ। तो ऐसी मोहब्बत करता अल्लाह मुझसे, क्या बयान करना क्या बात है, कैसा तुम्हारे को दूर कर दे रही इनके आल से, तुम कैसे तुम्हारे दिमाग में गलीज गलीज बातें बिठा दे रहे, तुम पढ़ लिख के भी अनपढ़ हो गए लोग, तुम पढ़ो ना हर चीज है तुम्हारे हाथ में पढ़ने की, एजुकेशन हासिल नहीं कर, चलो नहीं भी कर तो देखते पढ़ो ना, 10 मौलवियों को बयान दे उसमें तुम्हें एक समझ में आता कौन ओरिजिनल कौन बोल रहा। इमाम जैनुल आबदीन से पूछे कि आखिरी चिराग बचा लाए घराने का, इमाम जैनुल आबदीन बताइए आप कि उम्मत में 72 फिरके बटे सबके, हमारे इसमें 73 फिरके बटने वाले, तो क्या कौन ओरिजिनल फिरका है, कौन हक पे है, कौन जन्नत में जाएगा। तो आपने फरमाया कि आखिरी दौर में जो फिरके चलेंगे तो हर फिरका तुम आपको ऐसी दीन की बात बताएगा, तुम बोली यार इन्हें सही बोल रहा यार उन्हें भी सही बोला, तुम सबके तरफ खिंचाऊंगा तुम्हारा दिल, ये सही बोल रहा इधर जाएंगे उन्हें भी बोला, तुम बोलेंगे हर कोई यार सही बोला, कंफ्यूज होगा आम इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, बताया इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उन्होंने बोलेगा जाने दो कोई फिरको से कुछ लेना देना ही नहीं, मैं इधर आ जाऊंगा क्या आ जाएगा। तो
फिर सबने फरमाया कि कैसा फिर उसमें खुद को खुद अपनी अपनी इबादत करेंगे तो तंग आ जाएगा सब, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ खींचेगा, इतने मीठे मीठे बातें करके खींचेगा कि लोगों को लगेगा कि यार ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो ओरिजिनल को कैसा पहचानना है इमाम जैनुल्लाह अबिदीन? तो आपने फरमाए ओरिजिनल की पहचान सिर्फ ये रहेंगी, सिर्फ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता बस वही फिरका जन्नती है, बाकी सब जहन्नम है। आपने बताया वाला है, देखो अब जाके सर्वे करो, आपको नमाज से पहले नमाज के बाद में हर वक्त उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कौन है कौन सा फिरका? और बहुत सारे तो फतवे दे रहे नमाज से पहले, अज़ान से पहले दरूद क्यों पढ़ रहे, नमाज में खड़े रहकर दरूद क्यों, नमाज होने से पहले दरूद क्यों पढ़ रहे, अकामत देने से पहले फिर नमाज होने के बाद सलाम फेरने का, तुम सुनो ना सुनो सब मानता भाई, जस्टिफाई नहीं करा रहा हूँ, तुम तजुर्बा बता रहा हूँ तुम कैसा बहका रहे, तुमको वरगला के खत्म करना चाह रहे तुम्हारी दुनिया आखिरत, तुम अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह को ये बोलो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह जो ओरिजिनल फिरका है, जो ओरिजिनल चलने वाला ईमान का जो है मोहम्मद, जो भी तुझे वो जन्नत दिए उस पर हमको उसमें जाने की उस पर चलने की तौफीक अता फरमा, बोला अल्लाह पे सौंप दो ना अपने आप को, फिर अल्लाह तुम्हारे बरोबर रहबरी करके जो ओरिजिनल है उस तक पहुंचेगा। बाकी तो बहुत सारे आ गए, मैंने इस पर नाद भी लिखी आई, मेरी नाद भी आने वाली, अब मैं नहीं फिरकों में बटने वाला, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद के दर वाला, मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर पलने वाला, किसी और के टुकड़ों पर पल नहीं पाता। बहुत आने वाले अशार मेरे अल्लाह को लगा, देखो तुम पता चलेगा ये सब बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेबुनियाद बातें चल रही दुनिया में, बहुत बेबुनियाद हरकतें कर रही, किसी को जादू टोने करके खींच रही है, जादू टोने करके वो जमात वाला इधर क्यों जा रहा है, ये नहीं इधर क्यों जा रहे, तो बोलना भी नहीं चाहूँगा इस तरफ क्यों होता है, बढ़ गए तुम ये क्या कर रहे, दुनिया तो दुनिया तो पानी है, पना होने वाली है, आखिरत ला पानी है, फिर आखिरत का सौदा तुम जमा के दुनिया खरीद रहे। मैंने शेर बहुत सारे अशार लिखा हूँ, वो आने वाले उसमें सुन लो, मैं बोलता हूँ तफ़सील में, चलो इंशाल्लाह अल्लाह सबको कहीं सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। मैं तुमको ये कोई जस्टिफाई और कुछ फैसला नहीं दे रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, कुछ ऐसा हुकुम दान नहीं, तुमको मैं सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ मेरा, समझो समझेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर फना हो जाएंगे। जो मांगे सीख, जो ना मांगे सीख, वो दर दर मांगे भी, ठीक है चलो।